वहीं सिंगू बॉर्डर पर हुए हत्याकांड के आरोपी निहंगू ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस अब उनसे पूछताछ करेगी। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने इस घटना से किसी भी तरह के संबंध से साफ इनकार कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो तड़पता रहा, चिल्लाता रहा, अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर निर्ममता से एक युवक की हत्या की जो तस्वीरें सामने आई वो विचलित कर देती हैं। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, ये तस्वीरें सहमा देती हैं। वो बार बार लोगों से दर्द में कराहते हुए कहता रहा कि उसे बचा लो, लेकिन कोई आगे नहीं आया और तिल तिल कर उसने दम तोड़ दिया। खून ज्यादा बहने की वजह से सरेआम एक जिंदगी खत्म हो गई। पोस्टमार्टम में जो बातें सामने आई वो बयां कर रही थी कि हत्या करने वालों ने थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाई। उसका हाथ काटा गया, उसका पैर काटा गया और उसके बाद उसे बैरिकेडिंग से लटका दिया गया। शरीर पर 10 से ज्यादा जगहों पर चोट के निशान थे। घटना के लगभग 14 घंटे बाद जिन निहंगों के नाम सामने आए थे बाबा मंदी और नारायण सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। क्योंकि किसान आंदोलन वाली जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया तो संयुक्त किसान मोर्चा ने इस घटना से किसानों के किसी भी तरह के संबंध से साफ इनकार कर दिया, साथ ही उन निहंगों से भी जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। स्थानीय जथेबंदियां सारे संयुक्त मोर्चा दुख महसूस करता है उस घटना का। उस घटना दे विच वो घटना जिहड़ी घटी है जिस तरह का उन्हूं दस्या गया है वो किसी धार्मिक ग्रंथ दे बेअदबी नूं लैके वो बेअदबी करन दी कोशिश नूं लैके वो घटना घटी है, जिहदे विच संयुक्त किसान मोर्चा जिहड़ा वो एक धार्मिक मैटर है। संयुक्त किसान मोर्चा तीन किसानों के इन कानूनों लैके इस अंदोलन लड़ रहा है। सो इस करके उदे नाल उस घटना दे नाल इहदा कोई वो नहीं है, संबंध नहीं है। हत्याकांड ऐसा था जिसने शासन से लेकर प्रशासन और पूरे देश में सनसनी फैला दी। सीएम ने भी हाई लेवल बैठक कर निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई के आदेश अधिकारियों को दिए, लेकिन सिंगू बॉर्डर पर जो हुआ उसे किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सोनीपत से नितिन अंतिल, खबरें अभी तक। तो ये निर्ममता से हत्या का मामला सिंघू बॉर्डर से सामने आया है, इसी पर नितिन अंतिल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ और अपडेट अभी तक इस मामले में सामने आया है? साधु जो इसमें आरोपी निहंग था सरबजीत, वो सरेंडर कर चुका है। सोनीपत के जो कुंडली थाना पुलिस थी डीएसपी के सामने उसने सरेंडर किया है। पहले उसने अरदास की है और उसके बाद जो सुबह से एक बात कह रहा था कि उनके ग्रंथ के साथ छेड़खानी वो सहन नहीं करेंगे और उसके बाद उसने सरेंडर कर दिया। फिलहाल करखोता तो एसआईटी बनाई गई है सोनीपत की, वहां पर उसे ले जाया गया है और वहीं पर जो सोनीपत के डीसी एसपी और उसके साथ चले गए हैं। फिलहाल जो अब जो संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि निष्पक्ष जांच इस मामले में होनी चाहिए, तो कहीं जो कल संयुक्त मोर्चा एक बैठक और कर सकता है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की एक बात ये निकल कर आई थी कि जब वो सुबह ही अपने आरोप को कबूल कर रहा था तो पुलिस ने पाई नेम एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की, क्योंकि क्यों अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। तो कहीं ना कहीं जो नियम गिरफ्तार हो चुका है और उसके बाद अब पुलिस कार्रवाई कर रही है
और पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी। फिलहाल उसको गिरफ्तार करके पुलिस ले जा चुकी है और बताया जा रहा है कि मेडिकल करवाया जाएगा और कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी नितिन, सरबजीत नाम का शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में, किसका और नाम है जो सामने आ रहा है, किसकी और गिरफ्तारी हो सकती है, कितने लोगों का नाम इसमें आ रहा है अभी तक? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पुलिस के अनुसार शुरुआत में पुलिस दो आदमियों का नाम इसमें बता रही थी और उसके बाद पुलिस हालांकि एक आदमी को गिरफ्तार कर चुकी है और उसके बाद निहंग जो सिख है उसको जो आरोपी बनाया उसको गिरफ्तार करके ले जा चुकी, कुल उसके कोर्ट में पेश करेगी और उसी के बाद पुलिस का यह कहना कि इसको रिमांड पर लेने का प्रयास किया जाएगा और उसके बाद उससे पूछताछ करेंगे कि आखिरकार उसके साथ कौन कौन था, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें 5 से 6 बड़े घाव के निशान शरीर पर थे जो मरने वाला मृतक था, उसके बाद 50 से ज्यादा चोटों के निशान थे, रस्सी के भी निशान थे और पैर काटा गया था लेकिन वो पूरी तरह नहीं कटा था, हाथ पूरी तरह काटा गया था और जिस तरह से दिखाई दे रहा कि एक आदमी ने इसको नहीं बांधा था, 3 से 4 आदमी उसके पास दिखाई दे रहे हैं, तो लगातार पुलिस इस मामले में और भी आरोपी गिरफ्तार कर सकती है। जी तो और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है, पूछताछ के बाद जो है ये क्लियर होगा किस किस का नाम सामने आता है। लेकिन नितिन अभी क्योंकि आपने कहा कि इसमें कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और हो सकती है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, अभी किसान नेताओं की ओर से क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, फिलहाल गिरफ्तारी के बाद किसी किसान नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है, इससे पहले ही किसानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी क्योंकि सुबह से लगातार वो निहंग जो सिख थे उनके साथ बैठक कर रहे थे और उसके बाद जो 3 बजे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जानकारी दी कि संयुक्त किसान मोर्चा का इससे कोई संबंध नहीं है और उसकी वह इस घटना की वो निंदा करते हैं और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो निहंग सिख है उनसे उन्हें वो लगातार बातचीत चल रही है और वो समर्पण करेंगे, ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता कह चुके थे। और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो करीब शाम के 7:30-7 बजे के करीब जो है निहंग सिंह अरदास करते हैं, उन्होंने अरदास के बाद जो है SHO को वहां पर बुला रखा था, DSP को बुलाया था, 3 से 4 SHO थे, 3 से 4 DSP वहां पर मौजूद थे, उसके टाइम पर आत्मसमर्पण कर दिया है। और फिलहाल जो प्रिय बातचीत ये जरूर है कि गिरफ्तारी के बाद जो किसान नेता एक बैठक और कर सकती है, आज ही वो कह चुके थे एक बैठक वो और करेंगे क्योंकि जो नियंग है वो पहले ही कह चुके थे कि हम आत्मसमर्पण को तैयार हैं, पुलिस ने कहीं ना कहीं इसमें देरी की और 7 करीब 7 का टाइम लगा दिया क्योंकि जो है किसान नेता है वो 3-4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह चुके थे कि नियंग जिन्होंने बात वारदात को अंजाम दिया है वो ये कह रहे थे कि जो उनका ग्रंथ है वो उनका उनको अपवित्र करने के जो प्रयास किया गया था और उसके बाद इन्हें इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। जी जी बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो अभी शनिवार को जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसको